और नमस्कार बच्चों, आपका केमिकल काइनेटिक्स में फिर से स्वागत है। हम आज की वीडियो में पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन पर कैटलिस्ट का और टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ता है। पहले हमने पढ़ा था थोड़ा सा इसके बारे में, ब्रीफ में पढ़ा था, आज इसको डिटेल में करेंगे कि कैटलिस्ट और टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। इसको समझने से पहले हमें रिएक्शन के मैकेनिज्म में जो चेंजेस होता है वो हमें देखना पड़ेगा। जो एनर्जी चेंज होती है वो कैसे होती है, यहाँ पे देखिए दो तरह की एनर्जी यहाँ पे काम करती है। आपका ई ए एक्टिवेशन एनर्जी और एक आपका होता है ई टी थ्रेशोल्ड एनर्जी। जो एनर्जी चेंज होती है तो क्या होती है, कैसे होती है, उसको समझने के लिए देखिए आपके सामने ग्राफ है। इस ग्राफ में क्या दिखाई दे रहा है आपको, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो यहाँ से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, रिएक्टेंट की पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, प्रोडक्ट की कम है। तो इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके जो रिएक्टेंट वो क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा। तो इस के लिए हम देखिए एक रिएक्शन स्टडी करते हैं, कैसे होती है रिएक्शन। H2+I2 क्या बनता है हमारा, HI, ठीक है। अब कैसे हुआ देखिए, H के बीच में बॉन्ड होता है हमारा, रिएक्शन होती है और II के बीच में बॉन्ड है, ठीक है। जब रिएक्शन होती है तो यहाँ बीच में देखिए H और ये आपका II। अब क्या देखते हैं कि जो HH का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, II का बॉन्ड ब्रेक हो रहा है और HI के बीच में बॉन्ड बन रहा है। इस जो इंटरमीडिएट स्टेटस को बोलते हैं आप इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब ये होता है कि ना तो रिएक्टेंट है और ना ही प्रोडक्ट है, बनता है और ख़त्म हो जाता है, स्टेबल नहीं होता है। और लास्ट में देखिए क्या बनेगा आपके पास, HI। तो बिल्कुल किसके बन जाएंगे आपके, HI के बन जाएंगे। तो ये आपके रिएक्शन है। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए इस एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ेगा। अब कौन से रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एनर्जी बैरियर को क्रॉस करते हैं, उसके लिए ज़रूरी है उनके पास जो एनर्जी है वो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा हो या उसके बराबर हो। तो यहाँ पर आप डिफाइन करेंगे, देखिए थ्रेशोल्ड एनर्जी आपको ET से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको कन्फर्म पता होना चाहिए आपको, काम भी आएगा आगे। देखिए डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं इसकी, द मिनिमम एनर्जी पोजेस्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट दे कैन क्रॉस एनर्जी बैरियर, या बोल सकते इफेक्टिव कोलिजन टू फॉर्म द प्रोडक्ट। मतलब इतनी एनर्जी है कि उसकी जो है, जो रिएक्टेंट है वो क्या करें, एनर्जी बैरियर को क्रॉस कर जाए, जो आपकी जो एनर्जी बैरियर है उसको क्रॉस कर जाए, वही आपके प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, बाकी नहीं बनाएंगे, याद रखना बात ये। तो यह बहुत ही ज़रूरी बात है कि रिएक्टेंट बहुत सारे रिएक्शन करते हैं लेकिन वही प्रोडक्ट बनाते हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, उनसे ज़्यादा होती है, बाकी रिएक्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। अब यहाँ पर कुछ रिएक्टेंट की एनर्जी बराबर नहीं होती उसके, तो अब हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है। देखिए इसको बोलेंगे आप, यहाँ पर कैसे आ जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, यहाँ पर इस रिएक्टेंट के पास जो एनर्जी थी उसको बाहर से जो एनर्जी देते हैं ताकि उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाए, उसको बोलते हैं एक्टिवेशन, एक्टिवेट करने के लिए। तो द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स सो दैट देयर एनर्जी बिकम्स
इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी, उसके अंदर थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है तो वो आपका क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना देगा। इसको आप रिप्रेजेंट करेंगे ईए से, ईए एक्टिव एनर्जी बाहर से अपनी एनर्जी थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझना आपको। जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल प्रोडक्ट नहीं बना रहे थे उनको एनर्जी मिल जाएगी बाहर से और वो क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देंगे। तो आप याद रखेंगे ई टी इज इक्वल टू ई ए प्लस ई आर, तो टोटल जो एनर्जी होती है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उसको बोलेंगे आप थ्रेशोल्ड एनर्जी। और अगर आपको आपसे पूछता है ई ए जो आपने बाहर से दी है वो ई टी माइनस ई आर, ये आपको जगह एक्टिव एनर्जी। तो याद रहेगा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, थ्रेशोल्ड एनर्जी टोटल एनर्जी है और एक्टिवेशन एनर्जी जो हमने बाहर से दी है, ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे जी बिल्कुल, जो आपने बाहर से दी है वो आपका एक्टिवेशन एनर्जी है और जो टोटल एनर्जी है वो आपकी थ्रेशोल्ड एनर्जी है। और थ्रेशोल्ड एनर्जी के लिए आप एग्जाम्पल देखिए, एक क्लास के अंदर मान लीजिए 60 स्टूडेंट हैं, सभी बच्चे चाहते हैं कि सभी के एनर्जी, सभी के नंबर 90% आ जाए, लेकिन क्या पॉसिबल है? तो जो स्टूडेंट उस लेवल की पढ़ाई करते हैं उनके नंबर 90% आते हैं, बाकी 90% नंबर नहीं आते हैं। तो जो कमी रहती है, जो मेहनत होती है, जो कर लेते हैं उसके लेवल की तो वो नंबर ले आते हैं, बाकी नहीं ले आते। वही रिएक्टेंट में होता है, रिएक्टेंट जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी कम होती है प्रोडक्ट नहीं बनाते, और जिसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा उसके बराबर हो जाती है तो वो प्रोडक्ट बना देते हैं। तो आप याद रखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। अब देखिए इसका इफेक्ट कैसे पड़ेगा, टेम्परेचर का इफेक्ट कैसे पड़ेगा, देखिए कैटलिस्ट के ऊपर, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर। नेक्स्ट हम करते हैं इफेक्ट ऑफ, आगे करते हैं हम इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट कैसे काम आएगी। देखिए एक्टिवेशन एनर्जी, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन, किसी रिएक्शन के रेट के ऊपर कैटलिस्ट का इफेक्ट क्या पड़ता है आप समझेंगे। तो पहली बात आती है कैटलिस्ट क्या होता है, कैटलिस्ट एक काफ़ी कॉमन सा वर्ड है। कैटलिस्ट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर, अल्टर मतलब इंक्रीज और डिक्रीज। आप लिखेंगे देखिए द केमिकल सब्सटेंस विच अल्टर, अल्टर मतलब इंक्रीज और डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, द रेट ऑफ रिएक्शन रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड कैटलिस्ट, जो अपने आप को कंज्यूम नहीं करता है, सिर्फ रिएक्शन को होने में हेल्प करता है, उसकी स्पीड को बढ़ा देता है, तो उसको बोलते हैं आप कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये आपका दो तरह का हो सकता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। तो आप ध्यान रखेंगे, देखिए पॉजिटिव कैटलिस्ट जो होता है इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग एक्टिव एनर्जी। ठीक है, और एग्जांपल आपके सामने है Fe in Haber process आपका निकिल या PT in hydrogenation। आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, एक आपका होता है इसमें नेगेटिव कैटलिस्ट, देखिए पॉजिटिव होगा, अब नेगेटिव कौन से होते हैं, नेगेटिव कैटलिस्ट पॉजिटिव के आपने सुने होंगे, लेकिन नेगेटिव का आप याद रखेंगे, नेगेटिव में क्या रहेगा आपके पास, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इन प्रेजेंस ऑफ ग्लिसरॉल, या देखना ग्लिसरॉल जो होता है वो इसकी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। या फिर एक और एग्जांपल इसका लिख सकते हैं, ऑक्सीडेशन ऑफ
ऑफ क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल। तो यहाँ पे याद रखेंगे अल्कोहल जो क्या करेगा, इसकी रिएक्शन को कम कर देता है और ग्लिसरॉल भी डिकम्पोजिशन को कम कर देता है, तो इसको बोलेंगे आप नेगेटिव कैटलिस्ट। अपने पॉजिटिव तो बहुत सारे सुने होंगे, तो उसका भी ध्यान रखना आपको। एग्जांपल्स बच्चों को ज़्यादातर याद नहीं रहते हैं, पॉजिटिव तो बहुत सारे होते हैं लेकिन नेगेटिव में आपके कुछ ही एग्जांपल आते हैं, तो याद रखेंगे आप ये। अब दिमाग में बात आती है कि करते कैसे हैं चेंज, इसको कैटलिस्ट इसको कैसे अफेक्ट करता है, तो इसको देखिए हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। और एग्जाम्स में काफ़ी बार पूछा गया, हरियाणा बोर्ड के अंदर ये आपसे क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया है, तो आप इसको समझ के करेंगे। देखिए आपका ये एक ग्राफ ले रहे हम यहाँ पे, हमने ग्राफ बनाया था एक्टिव एनर्जी का, ये ग्राफ आपके पास है, यहाँ पर आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ये आपका रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट, समझ रहे हैं यहाँ पे, ये जो आपके पास रिएक्शन दे रहा हूँ मैं, यहाँ से एनर्जी वगैरह मैंने बना दिया है। देखिए ये आपके पास ER EP, यहाँ से जो आपका रहेगा ये आपका ED टोटल है, और जो हमने बाहर से दी है ये होगी EA, ठीक है, याद रखिए आपको बात है, तो EA। अब जो एक्टिवेशन एनर्जी है, अगर पॉजिटिव कैटलिस्ट, देखिए हमने क्या करना है, जो पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देगा। देखो ये जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो लिया मैंने ये डैश, ठीक है, इसको बोलेंगे आप एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स एनर्जी बैरियर, एनर्जी बैरियर, ठीक है। तो आप ध्यान देंगे कि ई ए डैश एक्टिवेशन एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, कैटलिस्ट एंड ई ए इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट अगर प्रेजेंट है तो आपका ई ए डैश है, और अगर ई ए डैश और अगर एब्सेंट है तो आपका ई ए। तो आप यहां देखिए इस ग्राफ के अंदर आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी क्या होगी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कम हो जाता, तो आप ये लिखेंगे ई ए डैश इज स्मॉलर देन ई ए, देयरफॉर रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन इंक्रीज, रिएक्शन क्या हो जाएगा इसका, बढ़ जाएगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आप ध्यान रखना कि जो एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाएगी तो आपका प्रोडक्ट जो रेट है उसका बढ़ जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात। तो नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करेगा, इस एक्टिवेशन एनर्जी को बढ़ा देगा, बढ़ा देगा तो आपका जो स्पीड है रिएक्शन की वो कम हो जाती है। तो एक जनरल सा एग्जाम्पल देखिए, किसी भी रिएक्शन का रेट जो होता है वो एक्टिवेशन एनर्जी पर डिपेंड करता है। तो आप एक एक्टिवेशन एनर्जी एक तरह से ब्रेकर का काम करती है, एक रोड है, रोड के ऊपर अगर ब्रेकर काफ़ी ऊंचा ब्रेकर है तो बाइक सवार को स्पीड कम करनी पड़ती है, और अगर ब्रेक का छोटा है तो कई बार क्या होता है बगैर स्पीड कम किए ही बाइक वहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो एग्जांपल याद रखना, एक्टिवेशन एनर्जी जो होती है वो किसके साथ रिलेट करेंगे, रुकावट, ब्रेकर के साथ। किसी भी रिएक्शन के अंदर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो एक तरह से रुकावट का काम करती है। अब यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, फ्यूल और थर्मो डायनेमिकली स्टेबल, वाई बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जितने भी फ्यूल हैं, एलपीजी गैस है, सिलेंडर में गैस भरी होती है, अब एलपीजी गैस जो होती है वो अपने आप आग नहीं पकड़ती है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, क्या कोई भी फ्यूल अपने आप आग पकड़ लेता है, नहीं पकड़ता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसको बाहर से एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ती है, जिसके बाद वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। तो जो बाहर से एनर्जी देते हैं वो आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी रहेगी, और फ्यूल जो होता है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है बिकॉज देयर एनर्जी इज लेस देन
थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो अब बाहर से जब इसको जलाते हैं तो उसकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है और वो जलना शुरू हो जाता है। तो आप कॉमन सेंस में भी आप केमिस्ट्री को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला जो होता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में आपको बताया था मैंने कि जो रिएक्शन का रेट है वो बढ़ जाता है और नियरली डबल ऑन इंक्रीजिंग 10 डिग्री टेम्परेचर अगर आप बढ़ा देते हो तो क्या हो जाएगा, नियरली डबल हो जाएगा। आपको वही बात मैंने बताई थी पीछे भी। अब इस बात को समझने के लिए आपको एक्टिवेशन एनर्जी भी काम आएगा, ग्राफ पे काम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिए ग्राफ आपके सामने है, इसको बोलते हैं आप मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करो। और जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको आप देखिए कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो रेट कोफिशिएंट, रेट कोफिशिएंट के रूप में इसको हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे देखिए रेट कोफिशिएंट क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन एट 310 केल्विन एंड रेट ऑफ रिएक्शन एट 300 केल्विन। डिफरेंस कितना आ गया हमारे पास, 10 का आ गया। तो इसको आप बोलेंगे एन, जो कोफिशिएंट को बोलेंगे आप एन के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 10 डिग्री सेल्सियस के ऊपर जो रेशो रहेगा ना, जो रेट रहेगा, दैट विल बी एन जो रहेगा ग्रेटर देन 2 और लेस देन आपका जो 2 से ज़्यादा एन जो रहेगा 2 से ज़्यादा रहेगा एन, देखिए एन जो है वो ग्रेटर देन 2 होगा और लेस देन 3 होगा, 3 से कम होगा और 2 से ज़्यादा होगा। तो नियरली क्या हो जाएगा, अपना अप्रॉक्सीमेटली डबल हो जाता है यहाँ पे। तो अब आपके दिमाग में बात आती है कि ऐसा होता क्यों है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ऐसा क्यों होता है। उसको देखिए एक साइंटिस्ट था मैक्सवेल, क्या नाम था उसका, मैक्सवेल एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व दिया उसने। अब यहाँ जो ग्राफ देख रहे हैं आप, ये साइड में फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे हम यहाँ पे, और इस साइड पे लेंगे आप काइनेटिक एनर्जी, जो इधर इधर आप लेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डायरेक्टिव मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेंगे फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेंगे। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स मतलब ये होगा जो पार्टिकल्स हैं, जो रिएक्टेंट हैं, जिनकी एनर्जी काइनेटिक एनर्जी इस ग्राफ में आती है। तो इस टेम्परेचर के ऊपर जो एनर्जी है वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होगी पार्टिकल्स की। अब जैसे आप इधर देखते हैं तो काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, और यहाँ पर जो कर्व आपको दिखाई दे रहा है, ये एरिया जो आपके पास ए बी सी डी, ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर है या उनसे ज़्यादा है। क्योंकि आप देखिए जब रिएक्शन होती है तो बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं, ठीक है, लेकिन सभी मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं। प्रोडक्ट कौन से बनाते हैं, जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होती है, उसे ज़्यादा होती है। तो आप T1 जो आपका रहेगा ना, T1 जो आपके पास है, जो हमने लिया था 300 केल्विन टेम्परेचर, उसके ऊपर ये ग्राफ रहेगा ए बी सी डी, ठीक है, इसको बोलेंगे ET। अब जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो जो पार्टिकल्स हैं जिनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से कम थी, टेम्परेचर बढ़ाने से उनकी एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है या वो इफेक्टिव कोलिजन करना शुरू कर देते हैं। तो इससे क्या होगा, नंबर ऑफ या फ्रैक्शन ऑफ कोलिजन्स, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव एनर्जी ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम्स डबल। और ये जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स डबल हो जाएगा तो इसकी वजह से रेट ऑफ फ्रैक्शन भी आपका डबल हो जाएगा। तो आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे कि रेट ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स डबल बिकॉज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग एनर्जी ग्रेटर देन और इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी बिकम्स नियरली डबल्स, देयरफॉर रेट ऑफ फ्रिक्शन आल्सो बिकम्स डबल ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस।
तो ये आपके पास कर्व है, आपसे पूछा जा सकता है। तो याद रखेंगे कि डबल क्यों हो जाता है, आपको रीजन बताया मैंने, आप इसको ग्राफ के हिसाब से इसको आप समझ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टडी विद मी एंड एंजॉय केमिस्ट्री।